खाने एक मिनट तीन का प्रश्न नंबर तीन पढ़ेंगे। पहला और दूसरा प्रश्न पिछले कालांश में पढ़ चुके, आज प्रश्न है 0.6 की आवृत्ति को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। जब हम इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे तो क्या करेंगे, माना x बराबर 0.6 की आवृत्ति। 6 की आवृत्ति का मतलब क्या है, बार बार 6 की पुनरावृत्ति, बार बार 6 की पुनरावृत्ति, 6 को बार बार लिखना। तो x बराबर 0.6 बार का मतलब क्या हुआ, 0.66666 चलता जाएगा। यदि एक अंक की आवृत्ति है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा करेंगे, और दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से गुणा करेंगे, और तीन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1000 से गुणा करेंगे, यानी उतनी उसमें शून्य होनी चाहिए। तो यहां क्या करेंगे, एक अंक की आवृत्ति है इसलिए 10 से गुणा करेंगे, तो 1 को 10 से गुणा करने पर 10 से इसको गुणा करेंगे तो 10x, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 स्थान आगे खिसक जाएगा, 0.1 यहां पर है तो क्या हो जाएगा, 6.666। एक अंक की आवृत्ति है इसलिए 10 से गुणा करेंगे, दो अंकों की आवृत्ति है तो 100 से, और तीन अंकों की आवृत्ति है तो 1000 से गुणा करेंगे। यहां पर एक अंक की आवृत्ति है इसलिए किससे गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 10x, 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 स्थान आगे खिसक जाएगा, तो यहां से यहां आ गए, तो 6.666। उसके बाद दो में से एक को घटाने पर, घटाएंगे तो बायां पक्ष में से बायां और दायां में से दायां, 10x में से x गया, 6.666 में से 0.6666 ये घटाएंगे, तो 10x में से 1x गया तो 9x, इसको घटाएंगे तो घटाने के लिए 6.666 में से 0.6666 घटाएंगे तो 0.6 के आगे के अक्षर तो सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी यह कुछ भी नहीं है, क्या आ गया, 6 आया, 6 की आवृत्ति हो रही थी 0.0.0.0 और 6 में से 0 गया तो 6, घटाने पर क्या आएगा, 6.0 अर्थात 6 आएगा, तो x बराबर 6/9, 3 × 6 और 3 × 9, अर्थात 0.6 की जो आवृत्ति है उसको p बटा q के रूप में लिखेंगे तो 2/3 आएगा। इसका जब मौखिक हम उत्तर लिखें तो मौखिक उत्तर कैसे लिखेंगे, एक अंक की आवृत्ति है इसलिए 6/9 आएगा, दो अंकों की आवृत्ति होती तो दोनों अंक 99 होता, तीन अंकों की आवृत्ति होती तो तीनों अंक 999 होता, ये मौखिक आंसर आते हैं।
अगला सवाल, जीरो दशमलव चार केवल सात के ऊपर आवर्ती है तो इसको कैसे हल करेंगे? माना एक्स बराबर जीरो दशमलव चार सात, केवल सात की आवर्ती है इसलिए जीरो दशमलव चार सात 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 एक बन गई। अब एक अंक की आवर्ती है इसलिए मैंने क्या बताया था, दस से गुणा करना, दस एक को दस से गुणा करने पर, इसको दस से गुणा करेंगे दस एक्स, दस से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान आगे खिसक जाएगा, तो ये हो गया चार दशमलव सात 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 सात। ये दो आगे समीकरण, एक व दो को क्या करना है, घटाना है, यानी दो में से एक को घटाने पर। दस एक्स में से एक्स गया, चार दशमलव सात 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 में से जीरो दशमलव चार सात 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 घटाएंगे, दस एक्स में से एक्स गया नौ एक्स, इसमें से इसको घटाएंगे तो कैसे घटेगा, चार दशमलव सात 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 जीरो दशमलव चार ये ऐसे घटेगा, घटेगा यहां पे सात है, सात में सात गया जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सात में से चार गया तो तीन चार, घटाने पर क्या आया चार दशमलव तीन। एक्स का मान ज्ञात करना है चार दशमलव तीन बटा नौ, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के आगे एक अक्षर है इसलिए एक शून्य लगा देंगे, एक्स का मान आ गया तियालीस बटा नब्बे, जीरो दशमलव चार सात की जो आवर्ती है उसका मान तियालीस बटा नब्बे आंसर आएगा। ऐसे ही हम इन सवालों को मान लो मौखिक करें तो मौखिक हल कैसे होंगे, जैसे जीरो दशमलव छह की आवर्ती है तो छह बटा नौ आएगा, जीरो दशमलव जीरो जीरो एक तीनों अंकों की आवर्ती है तो एक बटा एक दो तीन, तीन नौ लग जाएंगे, और नौ की आवर्ती है तो उत्तर आएगा नौ बटा नौ, और यदि जीरो दशमलव चार सात की आवर्ती है तो ये सैतालीस में से ये एक अंक है तो एक अंक घटेगा, दो है तो दो बढ़ जाएगा, एक अंक की आवर्ती है इसलिए एक नौ, उससे पहले कितने अक्षर हैं उतने शून्य लग जाएंगी, तो ये आता है तियालीस बटा नब्बे, ये मौखिक उत्तर होता है सर। और विस्तार से करते हैं तो अभी मैंने बताया, जैसे एक एग्जांपल और, जीरो दशमलव जीरो जीरो एक
को पी बटा क्यू के रूप में लिखना। तो वही काम करेंगे, माना एक्स बराबर जीरो दशमलव जीरो जीरो एक जीरो जीरो एक जीरो जीरो एक, तीन अंकों की आवर्ती है, तीनों को बार 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 लिखना। अब कितने से गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। एक को 1000 से गुणा करने पर, 1000 से इसको गुणा करेंगे तो 1000x, 1000 से गुणा करेंगे तो 10.3 स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा। तीन स्थान आगे खिसक जाएगा, 10.3 यहां पर था, यहां से कहां आ गया, यहां पर आ गया। उसके बाद इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो दो में से एक को घटाने पर, दो में से एक को घटाने पर घटाएंगे कैसे, बायां पक्ष में से बायां पक्ष और दायां पक्ष में से दायां पक्ष को घटाएंगे। 1000x में से x हटाया, 1000x में से x, और इसमें से इसको घटाना है तो घटाएंगे तो डायरेक्ट करते हैं, दशमलव के आगे के अंक है जीरो दस, दशमलव जीरो जीरो एक जीरो जीरो एक जीरो जीरो एक, यही है। तो एक में से जीरो गया तो एक, दशमलव के आगे पूरे अंक कट जाएंगे, घटाएंगे तो 999x बराबर एक, x बराबर 1/999। 0.001 की आवर्ती के लिए परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/999। इसी प्रकार इसका चौथा जो सवाल है वो ये है, 0.999 को पी बटा क्यू के रूप में लिखना। तो यहां क्या हुआ, 0.9 की आवर्ती है, यहां तक दे रखा है, तो 9/9 इसका उत्तर आएगा।